योर साइकिल इज सेक्सी ब्रो। थैंक यू ब्रो। मत बोलना कि बियर है, बियर नहीं है, पहले बता रहा हूँ। एक फन फैक्ट बताऊं? फन फैक्ट नहीं है, फनी फैक्ट है, पता क्या? जो कि लाइक मेरे को पर्सनली भाई बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं दिखाता हूँ। अपना रूम टूर देने वाला। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज आयुष, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। आपके सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको देने जा रहा हूँ अपना रूम टूर, ठीक है? थोड़ा सा शोर होगा, तो भाई अभी बाहर हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा शोर तो होगा ही ना, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर दो। बट कोई ना, मैं आपको भी अपना रूम टूर देने वाला हूँ, जिसके लिए भाई इतने ज़्यादा मेरे को वोट्स आए। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा दूँगा कितने सारे वोट्स आए मेरे को, ठीक है? बट अंदर जाने से पहले मैं आपको बोल दूँ भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। तो बहुत सारे अपने भाई आते हैं बट यार सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़ भाई को सपोर्ट करो और बहुत सारी अवेयरनेस दूंगा आपको। तो आई होप आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मैं फिलहाल आपको बाहर से घर दिखाता हूँ कैसे दिखता है। ये देखो भाई, अपने सारे सारे डस्टबिन से लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है? बिन बैग उठा के इसके बीच में डाल दो, ठीक है? और हमारा है फ्लैट नंबर 3, ठीक है? और ये हमारी है एंट्रेंस, ठीक है? अभी मैं इसको खोलता हूँ। व्हाट हैपेंड? इंजन इज गॉन। इंजन इज गॉन। ओके, नो प्रॉब्लम। योर साइकिल इज सेक्सी ब्रो। कितना खुश हुआ। तो भाई ये हमारा ऐसा कि लाइक जो भी बाहर से कोई बड़ा प्रोडक्ट आता है तो वो इसमें डाल देते हैं, ठीक है? ये हमारा। और भाई क्या हाल है, कहाँ जा रहे हैं? बढ़िया, बाहर जा रहा हूँ घूमने। चलेगा? आ रहा हूँ, छोड़ देता। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो भाई जैसे कि मैंने बताया, फ्लैट नंबर 3 में मैं रह रहा हूँ। वो भाई तो खुद ही खुल गया, ठीक है? तो ये हमारी भाई एंट्रेंस है। प्लीज़ मेरे को ये मत कहना कि भाई आपका रूम साफ नहीं है या जो भी है, भाई प्लीज़ मत कहना। हम चार लड़के लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो फिर आ गया, अरे फ़ोन के अंदर रह गया मेरे। कोई नहीं, कोई नहीं। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ एंट्रेंस कैसी है। तो भाई जैसे कि दरवाज़ा खोला, ये एंट्रेंस है हमारी, छोटा सा कॉरिडोर है। यहाँ पर हमने थोड़े बहुत शूज़ यहाँ पर रखे हैं और इसकी जो लाइट है ये चेंज भी हो जाती है ऐसे, ठीक है? 3-4 मोड है इसमें। तो भाई अब मैं इसको ओपन करता हूँ। पहले खुला था, आई नो, बट कोई नहीं। यहाँ पर मैं एक टच रखी है, मतलब एक बैग रखा हुआ है। एक सेकंड को पहले लाइट ऑन कर लूँ। तो ये भाई ये हमारी एंट्रेंस है, ठीक है? इसको कर दो बंद। यहाँ पे भाई हमने एक बैग रखा हुआ है, ठीक है? जगह कम पड़ रही थी तो हमने बैग ऐसे टेढ़ा करके रख दिया, नीचे 2-3 शूज़ पड़े हैं, ठीक है? तो ये भाई ये है मेरा रूम, ठीक है? ये मेरा स्टडी टेबल है, बट आई नो स्टडी तो इस पर हो नहीं रही है, इस पर भाई हमने गंद मचाया हुआ है। मैं फिर बता रहा हूँ, 4 लोंडों का कमरा है। कोई भी कमेंट में ये मत बोलना कि कमरा गंदा है, ठीक है? जैसा भी है यार, लड़कों का कमरा है, आपको पता ही है ना यार कितना गंद मंद होता है, ठीक है? सब काम पे होते हैं, सबको बस सोना है और दैट्स इट, थोड़ा खाना वाना बनाना और कोई काम नहीं है, सबको बस काम वाम करना है। मतलब कमरे में कोई काम वाम नहीं है, ऐसा उस सेंस में कह रहा हूँ, ठीक है? ये मत बोलना कि भाई कमरे में बहुत सारा गंदा है। आयुष भाई, आप तो हमको इतने साफ लग रहे थे लेकिन आप तो गंदे डाल के रखते कमरे में। यार हूँ तो मैं भी लौंडा ही ना, ठीक है? तो भाई ये देख लो हमारा स्टडी टेबल, ठीक है? ये आ गया भाई हमारा बेड, थोड़ा टूट गया बच्चा, कोई नहीं, ठीक है? वो आ गया भाई मेरा बेड, ठीक है? मैं भाई नीचे सोता हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि भाई मेरे लोअर बैक पता नहीं क्यों दर्द करती है भाई। अगर मैं बेड पे सोऊँ ना, मतलब वो बेड की शेप ले लेती मेरी बैक, तो वो मेरे को बाद में जब मैं सुबह उठता तो वो मेरे को दर्द करती है बैक, मेरी लोअर बैक। तो इसलिए मैं नीचे सोता हूँ, क्योंकि मैं लाइक पिछले 2-3 साल से मैं जब इंडिया में था पहले के, मतलब पहले जब इंडिया में था तो मैं उससे पहले भी लाइक 2-3 साल से मैं नीचे सो रहा था, क्योंकि मेरे लोअर बैक में भाई दर्द वर्द शुरू हो गई थी। मैं डेडलिफ्ट करता हूँ तो मतलब ऐसा है कि मेरे को मतलब नीचे सोने की याद देता, बस मैं नीचे सोता हूँ, ठीक है? तो भाई ये आ गया मैंने, ये मेरा आ गया, ये मेरा बेड। आई नो आप बोलोगे गंदा बड़ा मचाया, लेकिन चल कोई नहीं, ठीक है? तो भाई ये आ गया हमारा सोफ़ा, ये आ गया भाई हमारी अलमीरा, ठीक है? खोलूँगा तो शूज़ हिल जाएगा, चल कोई नहीं। ये आ गया भाई हमारी अलमीरा, ठीक है? इसको वापस रख देता, सेट कर देता। हाँ तो भाई ये अपना सोफ़ा, ये फटा भाई पहले का था जब हमने रूम लिया था, उससे पहले का फटा, मत बोलना कि भाई आपने फाड़ दिया। और ये हमारा छोटा टेबल सा है जो भी है कह लो आप, ठीक है? ये हमारी वार्डरोब सी है, ये मेरे कपड़े हैं इसमें, ठीक है? और इसमें बाकी सबके कपड़े हैं, ठीक है? ये भी लाइक काइंड ऑफ टेबल सा है। ये आ गया भाई हमारा फ्रिज, ठीक है? ये देख लो भाई फ्रिज में हमने क्या रखा हुआ है। मत बोलना कि बियर है, बियर नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है? तो भाई ये हमारा आ गया फ्रोजन एरिया, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई किचन। ये हमारी भाई किचन, जहाँ पे मेरा काम होता है मेनली। ये होगी हमारी चिमनी, इसमें लाइट भी जगती भाई मस्ती से, अच्छी सी, ठीक है? तो ये हमारा स्टोव है, ठीक है? और ये भाई हमारी शेल्फ, नीचे वॉशिंग मशीन है, और ये हमारा अवन है। माइक्रोवेव नहीं था इनके साथ, माइक्रोवेव हमको नहीं मिला था, माइक्रोवेव हमने अलग से सोचा था परचेज करने के लिए, बट अभी तक हमने किया नहीं, बट कर लेंगे जल्दी से, ठीक है? और ये आगे भाई हमारा बर्तन रखने का इलाका, ठीक है? और ऊपर हमने भाई नैपकिन रखे हैं, ठीक है? टॉयलेट पेपर रखे हैं ऐसा, ठीक है? ये हमारे सिंक, तो ये हमारा बिन बैग ही क्यों दिखा रहे हैं छोड़ो। तो भाई ये है मेरा रूम टूर। ये एक्चुअल में नॉर्मल रूम नहीं है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, ठीक है? तो स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या होता है कि लाइक जो रूम है और जो किचन है और जो वॉशरूम होता है ना, वो आपका खुद का प्राइवेट ही होता है, ठीक है? अब आपकी मर्जी है कि लाइक
आपको लाइक कितने लोग साथ में रखने हैं, वो डिपेंड करता है कि लाइक जो ओनर है उसने कितने लोग रखने के लिए लाइक इजाज़त दी हुई है। हमको तो भाई चार लोगों के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी है इसमें, तो हम चार लोग रह रहे हैं, ठीक है। ऐसे ज़्यादातर लोग दो ही रहते हैं, बट हम चार रह रहे हैं, ठीक है। हमने तुम्हारा ओनर है उसको हमने बताया कि भाई हम चार लोग रह रहे हैं, तो उसको कोई आपत्ति नहीं है, उसको पता है कि भाई हम लौंडे लपाटे हैं, सारे मर्द मर्द बंदे हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या ही करना है बेचारों ने, ठीक है, सारे तो काम पे रहेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको अपने इस अपार्टमेंट की ना सबसे बेस्ट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, और वो है मेरा भाई प्राइवेट गार्डन। हमारा प्राइवेट खुद का गार्डन भी है, ठीक है, आई शो यू। लेकिन वो दिखाने से पहले मैं पहले सारे सारे पर्दे बंद करना चाहता हूँ, फिर मैं आराम से खोलूँगा, रुको। तो भाइयों ये है हमारा प्राइवेट गार्डन, ठीक है, इसको मैं भी खोलता हूँ। और ये आती भाई यहाँ से फ्रेश है, ये एक नहीं खुलता है, दोनों खुल जाते हैं भाई। खुलना भाई क्या कर रहा है, बेइज्जती करा रहा है मेरी, हाँ खुल गया। तो ये हमारा भाई प्राइवेट गार्डन, ठीक है, ये दोस्त है यहाँ पे नीचे। तो भाई ये हमारा प्राइवेट गार्डन, ये मैंने साइकिल अपना यहाँ पर रखा हुआ है, और ये भाई लाइट से चलती कभी भी नहीं है, ज़िंदगी मैंने कभी देखी नहीं है, ये ऊपर वाली चलती है खाली एक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोचा था थोड़ा गार्डनिंग वार्डनिंग सा करूँ, ऐसे लाइक गमले के बीच में डाल के बैठ, वो काम चला नहीं, मतलब बनी नहीं वो बात। ये हमारा सोफ़ा है, ये कुर्सी भाई अंदर से बाहर ले आया था मैं, ये भाई तीन चार दिन से यहीं पे पड़ी, पता नहीं क्यों, छोड़ो कोई नहीं। बाकी ये हमारा भाई इंडिया का जुगाड़ था, तार रस्सी वस्सी अटका के हम कपड़े टांगते, बस वही है, ठीक है। तो भाई ये हमारा शेड अपार्टमेंट, ठीक है, ये देख लो भाई यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, वो हमारा खुद का बारबेक्यू है, ठीक है, बट ये साथ ही में मिला था हमको। तो भाई ये कुछ ऐसा दिखता है मेरा रूम टूर, ठीक है, मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट मेरा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ बंद। अब की जाए इसके रेंट की बात, इट्स अराउंड 800 pounds, ठीक है, लाइक मंथली 800 pounds है, ठीक है, जिसमें हमको काउंसिल टैक्स नहीं देना होता। काउंसिल टैक्स क्या चीज़ है, काउंसिल टैक्स इज लाइक हाउस टैक्स, ठीक है, आपको रहने का टैक्स देना पड़ता है, बट एज ए स्टूडेंट यू आर नॉट सपोज टू पे दैट हाउस टैक्स, ओके, तो उसको हम काउंसिल टैक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं डिपॉजिट की बात करूँ तो वो भी 800 डिपॉजिट है, ठीक है, 800 रेंट हो गया, 800 डिपॉजिट हो गया, तो विच इज़ लाइक 600 pounds, ठीक है, चार लोगों में डिवाइड हो रहा है ये चीज़, ठीक है। बट ये जो डिपॉजिट है वो एक ही बार देना होता है, ठीक है, वो बाद में लाइक जब आप छोड़ते हो रूम को तो आपका डिपॉजिट वापस हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं अपने बिल्स विल्स की बात करूँ तो बिल्स विल्स लगा लो आप करीब करीब 50 to 60 pounds आपका मंथली आपका बिल आ जाता है, जिसमें मैं इंक्लूड करूँगा वाटर बिल, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल। और उसके बाद मैं अगर वाईफाई की बात करूँ, इट्स अराउंड अबाउट 25 pounds, ठीक है, मंथली। तो हमने स्काई का वाईफाई लगाया हुआ है, बट वो लाइक अभी लगा नहीं है, बट आ चुका है, जल्दी लगा लेंगे हम जल्दी से, तो हमारा बिल थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो 50 की जगह 75 तक हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक रूम है, बट ऑनेस्टली कहूँ दिस इज़ लाइक अ बेसिक स्टूडियो अपार्टमेंट। मैं इसको लाइक एक प्रॉपर रूम नहीं कह सकता यार, क्योंकि यार रूम वही होता है, घर वही होता है जहाँ पर एक मंदिर हो, ठीक है। हमारे यहाँ पर मंदिर नहीं है, ये अपार्टमेंट लेने का एक ये रीज़न भी था, क्योंकि जो मंदिर है हमारे घर के बिल्कुल पास है, बट स्टिल एक मंदिर अपने घर में भी होना चाहिए, वो इस घर में नहीं है। तो लाइक मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी वाइब तो नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली यार जब से मैं आऊँ मैंने अभी तक अपना खुद का मंदिर नहीं बना पाया, तो उस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी अपना रूम में एक मंदिर लाऊँ, तो बहुत ज़्यादा लाइक मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, बट बीइंग ए स्टूडेंट मैं वो पूरी नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल, बट आने वाले टाइम में ज़रूर अपने घर में मैं छोटा सा मंदिर रखूँगा अपना खुद का, ताकि मैं रोज़ उठ के मैं वहाँ पर पूजा कर सकूँ। तो भाई यही है मेरा रूम टूर, ठीक है, आई होप आपको मेरा रूम अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट डाउन मत करना कि भाई कमरे में गंद था, भाई आई नो गंद था, भाई चार लड़के रह रहे गंद तो हो गई। अच्छा मैं आपको तो अपना वॉशरूम दिखाने भूल गया, अच्छा रुको मैं आपको यहाँ पे यूके का वॉशरूम दिखाता हूँ, जो कि लाइक मेरे को पर्सनली भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं दिखाता हूँ। तो भाई ये हमारा वॉशरूम, ठीक है, लाइट मैंने ऑन कर दी थी, ये भाई हमारा वॉशरूम है, ठीक है। हाय दोस्तों, तो ये भाई अपना कमोड हो गया, ये अपने वो क्या बोलते हैं इसको, सिंक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाँ ये अपना वॉश बेसिन हो गया, और ये भाई अपना नहाने का जुगाड़, ठीक है। ये हमारा भाई वो बोलता है क्या बोलते हैं अपना, यहाँ से मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मेरे को भूल गया, इधर से ज़्यादा गर्म होगा, इधर से थोड़ा कम गर्म होगा, इधर से ठंडा होगा, ठीक है। तो मैं तो भाई ठंडे से ही नहाता हूँ, बट आज मैं नहाया नहीं, पता नहीं क्यों, मन नहीं है मेरा। यहाँ से इसको प्रेस करोगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा, बट हमको इसको बाहर से ऑन करना पड़ता है, पावर देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये शॉवर है, एक फन फैक्ट बताऊँ तो भाई, फन फैक्ट नहीं है, फनी फैक्ट है, पता क्या यार, यहाँ पर जेट स्प्रे नहीं है यार, जेट स्प्रे से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं भाई, जेट स्प्रे है ही नहीं, तो हमको ये कागज़ से काम चलाना पड़ता है, बट मैं कागज़ यूज नहीं करता भाई, पता है भाई आपको, समझ रहा हूँ ना, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। तो भाई बस यही था मेरा आज का रूम टूर, तो रेंट भी मैंने इसमें बता दिया है, लाइक मैक्सिमम चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हुई हैं। अगर आपको अलग से कोई क्वेरी होगी या कोई क्वेश्चन होगा तो जस्ट गिव मी अ कमेंट डाउन, ओके।
तो मैं उसका भी रिप्लाई साथ ही साथ कर दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार जल्दी से जल्दी मैं सबके कमेंट पे रिप्लाई करूँ और जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे जो मेरे को मैसेजेस डीएम्स आ रहे हैं उन पे भी रिप्लाई करूँ यार, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी पड़ जाता हूँ कभी कभी तो टाइम नहीं मिलता। बट हाँ, मैं फिर भी लाइक दिन में मेरा टारगेट रहता है कि एटलीस्ट मैं 10 से 15 लाइक कमेंट्स रिप्लाई करूँ और 10 से 15 लाइक मैं डीएम्स पे भी रिप्लाई करूँ, जो कि लाइक कभी कभी नहीं हो पाता, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी यार, आई एम लिटरली वेरी सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो भाई यही है मेरा रूम टूर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो करता हूँ मैं वीडियो को यहीं पे खत्म, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर गिव इट अ लाइक और कमेंट डाउन भी जरूर करना अगर कोई क्वेरी है तो। ठीक है, और मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, सो टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।